क्वेश्चन है, मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में की हुई है, लेकिन बाकी कौन से सब्जेक्ट क्या क्या पढ़े हैं वो मेरे ख्याल में क्लियर नहीं है। ये पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में हो गई, और मैथ नाल है। मैथ अगर ये 3 साल आपने पढ़ा हुआ है तो आप मैथ इकोनॉमिक्स ले सकते हो, और इकोनॉमिक्स लेके आप जो है बन गया आपका पीजीटी के लिए आप एलिजिबल हो गए, पीजीटी के लिए एलिजिबल हो गए। मैथ्स के लिए आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हो गए, ये क्लियर है। नाल इकोनॉमिक्स दा भी फिर इंग्लिश लिटरेचर दा भी कॉम्बिनेशन बनो। मैं आपकी बात नहीं समझा कि आपने ये पढ़ा हुआ है। अगर आपने इकोनॉमिक्स मैथ्स और इंग्लिश पढ़ा हुआ है तो आपको इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा हुआ है, एमए इकोनॉमिक्स की हुई है, तो आपके बड़े क्रिटिकल बन रहे हैं। मैथ आपको नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेजर यही बन रहा है आपका। दूसरा मेजर आपका बन रहा है इकोनॉमिक्स, है ना। अगर इकोनॉमिक्स फिल करते हो तो फिर लिटरेचर इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश आपको मिलेगा। इंग्लिश पढ़ी है आपने कॉम्बिनेशन, हाँ, आपका बन रहा है मैथ और इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश, ये आपके बेस्ट कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तीसरा ये भी बनता है, तीसरा बेस्ट मैथ एंड इंग्लिश, पर उसमें आपकी इकोनॉमिक्स मिस एम ए जो है वो इग्नोर हो रही है, दैट इज वाई वो वीक बन रहा है। इकोनॉमिक्स का फायदा, लेकिन अगर आप पीजीटी के लिए सोचते हो, एक अलग से वीडियो निकाला है जिसमें बताया है कि पीजीटी के लिए प्रीवियस कितनी जॉब्स निकली हैं, तो उसको देख के आप डिस्करेज हो जाओगे कि पहले टीजीटी के लिए एलिजिबल होना चाहिए। तो टीजीटी के लिए बेस्ट आपका बन रहा है मैथ्स एंड इंग्लिश, दोनों के लिए आप एलिजिबल हो। तो ये आपने सोचना है कि आपने पीजीटी के लिए इकोनॉमिक्स के लिए जाना चाहते हो या नहीं। दूसरा, अगर आप इकोनॉमिक्स से जाते हो तो आपको टीजीटी का कोई फायदा नहीं है, आप सिर्फ मैथ्स के लिए एलिजिबल हो। इंग्लिश के लिए जाते हो आप दोनों टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो टीजीटी के लिए आपको इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबल होने के लिए एडिशनल पेपर देना पड़ेगा बीएड का, टीचिंग ऑफ, नहीं वो तो हो गया आपका, आप ले ही रहे हो। फिर आपको, नहीं ठीक है ठीक है, आपको जो है, क्योंकि इकोनॉमिक्स की टीजीटी निकलती नहीं है, पीजीटी निकलती है, उसकी हो ही नहीं सकते। आप इकोनॉमिक्स में जाओगे आप पीजीटी के लिए ही है, नैरो स्कोप रहेगा। अगर आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, नॉलेज है, आप कम्पीट कर सकते हो सिलेक्शन टेस्ट में, तो इकोनॉमिक्स के लिए ज़रूर जाओ। अगर लगता है इसमें वीक है, मैं मैथ में ज़्यादा तैयारी कर सकती हूँ इंग्लिश में, तो फिर आप इधर आ जाओ। टीजीटी के लिए ज़्यादा पहले एलिजिबल होना चाहिए, तो आप 50-50 लाइन में हो, तो कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो इसमें से। थैंक यू।